The diagonal of a rectangular is 60 meter more than the shorter side. ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से. इफ लॉन्गर इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो इसकी फाइंड करना है साइड. तो रेक्टेंगल अगर है, सबसे पहले ये देखो कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं. चलो फिगर तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक रेक्टेंगल है और ये मान लेते हैं शॉर्टर साइड है. तो ये लॉन्गर साइड है, ये इससे 30 ज्यादा है, और ये तो डायगोनल हो गया. ओके, और डायगोनल क्या है, 60 ज्यादा है. तो ये कहानी है टोटल. ठीक है, हमें साइड पता करना है. तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे, लेट्स एक्स बी द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड. ठीक है, शॉर्टर साइड का जो लेंथ है एक से, तो लॉन्गर साइड का लेंथ क्या होगा, एस प्लस 30 हो जाएगा. ठीक है, अगर बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे हर एंगल 90 बनाता है, इस एंगल आर 90 डिग्री. तो अगर इन ट्रेंगल देखा जाए ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रेंगल. ए बी सी इज राइट ट्रेंगल है कि नहीं? अगर ए बी सी राइट ट्रेंगल है और यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, ठीक है, तो बोल सकते हैं ए बी सी. चलिए देखते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं ठीक है. तो h प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी क्या है, h स्क्वायर प्लस h प्लस 30 का होल स्क्वायर. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए h स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 प्लस इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900. ओके, सबको एक ही साइड में लेकर आते हैं, तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस 60x माइनस सॉरी प्लस 60x माइनस 120x, ठीक है, प्लस 900 माइनस 2700. तो ये कहानी है, इसको फैक्टर करते हैं, एच स्क्वायर इसको फैक्टर करो, क्या आना चाहिए, 30x प्लस 30x 2700 इक्वल टू जी. ओके, तो x कॉमन लेते हैं, h माइनस 90, ठीक है, 30 कॉमन लेते हैं, h माइनस 90 इक्वल टू जी. तो h माइनस 90 एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू 90, और एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस 30. तो
तो माइनस में तो लेंथ होगा नहीं, तो एच की वैल्यू क्या होगी 90, यानी जो शॉर्टर साइड है, ठीक है, शॉर्टर साइड क्या है एक्स है और एच इज इक्वल टू क्या है 90, और जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, वो इससे 30 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, तो ये हो गया 120। ठीक है, हमें यही पूछा था साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो यानी 90 और 120, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।